यदुवंशी कैसेट के माध्यम से श्याम और राधा का प्रसंग हम पेश करने जा रहे हैं। जिस समय भगवान कन्हैया काली देह में गेंद लेने के लिए जाते हैं, तो काली देह से निकलने के बाद वो यशोदा माँ अपने कन्हैया को समझाती है और कसम लेती है कि बेटा आज से ग्वाल वालों के साथ में खेल नहीं करेगा। और माँ ने कहा कि अब अपने नंद बाबा के साथ तू काम करेगा। तो भगवान किस तरह से बाबा नंद के पास खेत पर जाते हैं, सबसे पहले भगवान का नाम राधा बनी मरिंडा कन्हैया बन को कोला, राधा बनी मिरिंडा कन्हैया बन को कोला, राधा को रूप संत राजेशो, राधा को रूप संत राजेशो, माना का रूप को कोला कन्हैया बन को कोला, राधा बनी मिरिंडा कन्हैया बन को कोला, राधे श्याम की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम की सुंदर जोड़ी, जैसे सब नम सोला कन्हैया बन को जैसे सब नम सोला कन्हैया बन को कोला, राधा बनी मिरिंडा कन्हैया बन को कोला, राधा बनी मिरिंडा कन्हैया बन को कोला, श्याम मिलन जब गए राधा से, श्याम मिलन जब गई राधा सी, राधा का मन कै डोला कन्हैया बन को कोला, राधा का मन कै डोला कन्हैया बन को कोला, राधा बनी मरिंडा कन्हैया बन को बनी। इधर भगवान श्याम सुंदर मनमोहन गिरधारी घनश्याम अपने दरवाजे पर खड़े हैं, मन में विचार कर रहे कन्हैया मेरी मैया ने तो खेल करने के लिए कसम ले ली है, अब हमको खेल तो करने नहीं है और बाबा नंद के पास में मुझे खेत पे जानो है, और मैया ने हमसे कही मैया मेरी ने कही बंद करो सब खेल, काम करो जा खेत पर लेकर गाड़ी बैल। मैया ने हमारी ने हमसे कही कि बाबा नंद के पास जाओ खेत पर, तो बैल तो हमारे पास में है लेकिन गाड़ी ना आए है, तो गाड़ी कहां से ली जाए। तो भगवान कन्हैया अपने बैल जो है वो खूंटा से छोड़ के अपने हाथ में रस्सी पकड़ी और बैल लेकर के और ब्रज नगर की तरफ चले हैं। भगवान मन में विचार करने लगे कि राधा के पास में गाड़ी है, अब चलो
राधा के पास में चलते हैं और राधा से जाके गाड़ी मांगेंगे। भगवान धीरे धीरे बैल लिए और ब्रज नगरी की तरफ चले हैं। आगे आगे बैल, पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। चलते चले जा रहे भगवान कन्हैया ब्रज नगर में। जैसे ही भगवान ब्रज नगर में पहुंचे, राधा के दरवाजे पर कन्हैया जब पहुंचे हैं, आवाज लगाते हैं, राधा ओ राधा राधा। और जैसे ही आवाज कन्हैया की राधा ने सुनी, अंदर से निकली और बोली, कन्हैया ए कन्हैया, यहां क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? भगवान कहन लगे, राधा ये हमारे हाथन में बैल हैं। राधा ने बैल देखे तो राधा कन्हैया से बोली, श्याम ये बैल लेकर के तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, राधा अरे हम तो तेरे ही पास में आए हैं। राधा बोली, श्याम अरे हमसे तेरो कोई काम है? कन्हैया बोले, हाँ राधा तुझसे बहुत बड़ा काम है। अरे देख हमारे पास में बैल हैं, लेकिन कहा करी कन्हैया ने, हम ले करके आए बैल, राधा दे दे अपनी गाड़ी। गाड़ी लेके ओ बाबा के पास खेत पे जावेंगे। हम दे देओ अपनी गाड़ी, हाँ दे देओ अपनी गाड़ी। हम ले करके आए बैल, राधा दे दो अपनी गाड़ी। राधा से बोले, राधा अब कोई ना खेल करूंगो, मैं तो घर को काम करूंगो। अब कोई ना खेल करूंगो, मैं तो घर को काम करूंगो। मेरे सुने खड़े ही बैल, राधा दे दो अपनी गाड़ी। कह रहे ओरी राधा, अरे तेरी गाड़ी कहाँ है? राधा राधा बोली, ना है मेरे पास में गाड़ी, ना है कन्हैया। ए राधा, हाँ
राम जैसी तेरी ले जई वैसी पाप सहा कर जई हम तेरी जैसी ले जई गाड़ी वापस हाँ कर जई तेरो मेरो कब से मेल राधा दे दे अपनी गाड़ी कह रहे ओरी राधा अपनी गाड़ी हमें दे दे हम बाबा के पास जा रहे हैं। राधा बोली नाए एक कन्हैया मेरी गाड़ी नाए है मेरे पास में। भगवान कन्हैया बोले राधा तुम बड़ा झूठ बोल रही हो अरे दे दो गाड़ी। राधा बोली एक कन्हैया गाड़ी तो है मेरे पास में लेकिन ठीक नाए है। भगवान कन्हैया बोले राधा अरे दे देना क्यों देर कर रही है। राधा बोली ना मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है अगर मैंने गाड़ी दे दी अगर मेरी गाड़ी टूट गई तो मेरे पति शाम को जब आबेंगे तो हमका मारेंगे और फिर मेरी सासुलिया एक कन्हैया मेरी सासुलिया तो बहुत ही परेशान करेगी मुझे घर से निकाल के बाहर कर देगी गाड़ी के पीछे ना मैं तो गाड़ी ना दूंगी। मेरी गाड़ी बहुत पुरानी कन्हैया मेरी गाड़ी बहुत पुरानी खड़ी है ललिता की दुआरे
इधर भगवान कन्हैया से राधा बोली, ए समरिया मेरी गाड़ी तो ललिता के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन हम तो ये गाड़ी दूंगी ना है। मेरी सासुलिया शाम को आवेगी, अगर हमारी गाड़ी अगर टूट गई तो मेरी सासुलिया बहुत मारेगी मुझे। नहीं कन्हैया, भगवान बोले, राधा ए राधा, तू तो मेरी प्यारी राधा है। अरे राधा, हमारा तुम्हारा कितना प्रेम है और तुम हमसे मना कर रही हो। ए राधा, चुपके से दे दो गाड़ी और मैं जिस तरह गाड़ी तुम्हारी ले जाऊंगा उसी तरह से गाड़ी हम तुम्हारी वापस कर देंगे राधा। तो राधा बोली, एक कन्हैया, अगर तुझे मेरी गाड़ी लेनी है तो जाओ, चुपके से चले जाओ और ललिता से जाकर के मेरी गाड़ी ले लेना। ललिता से कहियो, वो ललिता गाड़ी तुम्हें दे देगी। अब भगवान कन्हैया गाड़ी लेने के लिए राधा के घर से और ललिता के घर की तरफ चले हैं। बैल हाथ में है और चले भगवान कन्हैया बैल लेकर के, चलते चले जा रहे हैं वो। और ललिता के दरवाजे पर भगवान कन्हैया पहुंचे, कहने लगे, ललिता ए ललिता। और जैसे ही ललिता ने आवाज भगवान कन्हैया की सुनी, अब ललिता घर में से निकल के आई, अरे कन्हैया ए कन्हैया, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये बैल हाथ में लिए कहां घूम रहे हो तुम? भगवान बोले, ललिता अरे हम तेरे पास में आए हैं ललिता, वो राधा की गाड़ी यहां खड़ी है, वो हमें बता दे कि ललिता कि राधा की गाड़ी कहां है, अरे हम गाड़ी लेने आए हैं। और जो कन्हैया के शब्द ललिता ने सुने तो ललिता अपने मन में विचार करने लगी कि जब कन्हैया ने बहुत ही परेशान कियो है, इस कन्हैया ने बहुत ही परेशान कियो है, अरे रास्ता में डगरिया में घेर घेर के मेरो माखन खायो, अब ऐसा बदला लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो ललिता बोली, कन्हैया ए कन्हैया, क्या तुझे गाड़ी चाहिए? भगवान कन्हैया बोले, हाँ ललिता हमें गाड़ी दे दो, हम खेत पे जा रहे हैं बाबा के पास में। ललिता बोली, अगर तुम्हें गाड़ी लेनी है तो एक मेरी शर्त है। भगवान कन्हैया बोले, बोल ललिता तेरी क्या शर्त है? तो ललिता कन्हैया से क्या बोली, काना अपनी बजा दे बसुरिया रे, काना अपनी बजा दे बसुरिया रे, काना अपनी बजा दे। कन्हैया से बोली, बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे, काना अपनी बजा दे बसुरिया रे, काना अपनी बजा दे बसुरिया रे, काना अपनी बजा दे। से सुनी ना मैंने बसुरिया, ओ जसुदा के प्यारे समरिया, कब से सुनी ना तेरी बसुरिया, ओ जसुदा की प्यारे समरिया, तड़पे ठाड़ी गुजरिया रे, श्याम अपनी बजा दे बसुरिया रे, श्याम अपनी बजा दे।
भगवान कन्हैया से बोली, ए श्याम तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, बड़ो ढीट है तू, बहुत परेशान कियो है तेने, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। ओ जसुदा की श्याम समरिया, ओ जसुदा की कृष्ण कन्हैया, बोलिए श्याम अगर तुम अपनी बंसी बजाओ तो हम राधा की गाड़ी तुम्हें दे देंगे, और अगर मुरलिया ना बजाइयो तो फिर वह गाड़ी तुमका मिलेगी ना। भगवान मन में विचार करने लगे कि ललिता मौखा का फायदा उठा रही है, ए ललिता तो बंसी बजाए तो गाड़ी दे दोगी। ललिता बोली, हाँ अगर तुम मुरलिया बजाओ तो हम तुम्हें अपनी गाड़ी दे देंगे। भगवान कन्हैया बोले, ललिता तो एक मेरी भी शर्त है, बंसी तो हम बजा देंगे लेकिन बंसी के साथ नाचना तुम्हें होगा। बोलो नाचोगी? ललिता कान लगी, ठीक है अगर तुम बंसी बजाओ तो फिर मैं नाचूंगी। भगवान कन्हैया कान लगे तो फिर कहा, देख रही हो तैयार हो जाओ। और भगवान कन्हैया अपनी मनोहर बंसी बजाने लगे, भक्तों बंसी मनोहर मुरली बजाने लगे भगवान, और इधर भगवान कन्हैया की बंसी और राधा कैसे नाच रही, तो ललिता विशाखा तीनों आज कन्हैया की बंसी की तान में वो राधा भी आ गई और वह विशाखा भी आ गई। और ललिता राधा विशाखा से बोली, हो वो क्या कह रही है वो ललिता और विशाखा, राधा रस की जलेबी कन्हैया, रस को भरो रसगुल्ला, राधा रस की जलेबी कन्हैया, रस को भरो रसगुल्ला। माखन मिश्री कन्हैया खावे, माखन मिश्री तू भरी भरी खावे, भरे भरे मटका दूध फैलावे, भरे भरे मटका दूध फैलावे, मठा से करी रहो कुल्ला कन्हैया, रस को भरो रसगुल्ला, मठा से करी रहो कुल्ला कन्हैया, रस को भरो को भरो रसगुल्ला, राधा रस की जलेबी कन्हैया, रस को भरो रसगुल्ला। इधर भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और वो राधा ललिता विशाखा तीनों सखियां बंसी की तान में अब तो नाच नाच रही है। भक्तो ग्वाल बाल संग खेल रचायो,
मैं बाल संग खेल रचायो। लूटी लूटी मेरो माखन खायो, खूब मचायो हल्ला कन्हैया, रस को भरो रसगुल्ला, खूब मचायो हल्ला कन्हैया, रस को भरो को भरो रसगुल्ला, राधा रस की जलेबी कन्हैया, रस को भरो रसगुल्ला। इधर भगवान श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं वह तीनों सखियां भक्तो नाच नाच के थक जा गई, तो भगवान कन्हैया बोले, ए ललिता अरे मैंने बंसी बजा दी है, अब तो तू गाड़ी दे दे। राधा कह दे ना, ए राधा अरे कह दे ललिता से गाड़ी दे दे। राधा बोली, मैं कछु नहीं जानती, गाड़ी तो ललिता के पास में है, ले ले ललिता से। अब ललिता से भगवान ने कहा, ललिता अरे अब तो दे दे। तो वो ललिता इशारा करती है, ए श्याम वो देखो सामने गाड़ी खड़ी है, जाओ गाड़ी ले जाओ, और जैसी ले जाओ वैसी दे जाइयो। अब भगवान कन्हैया बैल लेके चले गाड़ी के पास में, अब भगवान कन्हैया बैल लेके और गाड़ी के पास में आए गए। और जब गाड़ी के पास में आए तो भगवान कन्हैया ने दोनों बैल गाड़ी में एक इधर एक उधर और गाड़ी अपनी तैयार कर ली। अब भगवान कन्हैया वो रस्सी हाथ में पकड़ी और गाड़ी पे बैठ गए। अब गाड़ी लेके चले भगवान कन्हैया, अब बैलगाड़ी पे बैठे हैं, अब बैलगाड़ी जा रही है खेत पर बाबा नंद के पास। अब गाड़ी लेके धीरे 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 जब भगवान कन्हैया ब्रज के किनारे आए हैं, जब बैलगाड़ी भगवान की ब्रज के किनारे आ गई और राधा चुपके से निकली एक गली से और निकल के और वो पहले से रास्ता में खड़ी हो गई, और जैसे ही गाड़ी भगवान की देखी और वो राधा ठीक सामने आ गई, भगवान बोले, अरे राधा तुम यहां क्या कर रही हो? राधा बोली, श्याम अरे हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम कहां जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले, राधा तुम पागल हो, यहाँ क्या करना ही हो तुम? अरे जाओ लौट जाओ राधा, हम तो जा रहे हैं वन जंगल खेत पे बाबा नंद के पास, जाओ जाओ लौट जाओ। राधा बोली, ना एक कन्हैया मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ में, मैं ना लौटूंगी। अरे कन्हैया देखना मैंने तुमसे कितना प्यार किया है, तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता मेरे श्याम, ले चलो ना मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। भगवान कान लगे, तुम बिल्कुल पागल, लौट जाओ, अरे हम का देर हो रही है, तुम हमारे पीछे पड़ी हो, क्यों परेशान कर रही हो राधा? राधा बोली, ना मैं तो चलूंगा संग में, हमें तुम्हारे बिना एक पल भी हमका अच्छा नहीं लगत, पूरी रात नींद ना आए, दिन में चैन ना आए कन्हैया, अरे ले चलो ना मुझे, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। भगवान ने राधा को बहुत ही समझायो, लेकिन राधा ने भगवान कन्हैया की एक बात ना मानी और चढ़ गई गाड़ी में और गाड़ी में जाके बैठ गई।
और जब गाड़ी में बैठ गई तो भगवान कन्हैया बोले, ओरी राधा पागल मत बन। का कही? मत बन पागल। अरे मत कर मोसे प्यार, प्यार में होगी तेरी हार, नारे तू पछतावे। विलक्षण होता है, अरे जो प्यार करते हैं वो बाद में पछताते हैं। अरे काहे को हमारे चक्कर में पड़ी है तुम्हें? अरे हमसे प्यार मत कर राधा। अरे मत कर मोसे प्यार, प्यार में होगी तेरी हार, नारी तू पछतावे। भगवान कन्हैया से बोली, ए श्याम, अरे मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कियो है प्यार, प्यार में ओ बगी तकरार, नारे तो समझावे। प्यार में तो झगड़ा होता ही है, कन्हैया ए कन्हैया, काऊ दिन मुको तेरी याद भी आवे, काऊ दिन मुको तेरी याद भी आवे, काऊ दिन काना तेरी याद सतावे, काऊ दिन मुको तेरी याद भी आवे, काऊ दिन तोको मेरी याद सतावे, काऊ दिन मुको तेरी याद भी आवे। मत कर मोसे प्यार, प्यार में होवेगी तेरी हार, नारी तू पछतावे। कन्हैया ने कहा, राधा मत प्यार कर, अब तू लौट जा, जो प्यार प्यार के चक्कर में मत पड़। लेकिन अब राधा ना मानी। ओ भगवान कन्हैया की, भाई गाड़ी में जाए के और बैठ गई। अब कन्हैया गाड़ी लेके चले हैं, गाड़ी धीरे धीरे चलती चली जा रही है। जब भगवान की गाड़ी जा रही है तो राधा बोली, श्याम 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 श्याम, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, श्याम श्याम गाड़ी रोको। भगवान कन्हैया बोले, राधा
क्यों परेशान कर रही हो तुम? राधा बोली, श्याम जरा गाड़ी रोको ना। अरे रोको तो सही। अब राधा ने जब कही तो भगवान कन्हैया ने गाड़ी को रोक दिया। अब राधा बोली, श्याम जरा रुकना, मैं अभी गई और अभी आई। कहां जा रही हो तुम? राधा कहने लगी, बस गई आई। और वह गाड़ी में से उतर के और बगिया में घुस गई राधा। जब गाड़ी में से उतर के बगिया में घुस गई, ओरी राधा बगिया से तोड़ लाई काहे को मुसम। अरे बगिया से तोड़ लाई काहे को मुसम्मी। राधा अरे तो पे दो मुसम्मी हैं, अब तू ऐसो कर एक हमें दे दे। राधा बोली, ना मैं ना दूंगी। भगवान बोले, देना एक दे देना। ए राधा जय दादा छोटी वाली, ना ना मैं ना दूंगी। काहे को गुमान करे दे देना मुसम्मी, दे देना मुसम्मी। बगिया से तोड़ लाई काहे को मुसम्मी। दूंगी, मेरे पे दो मुसम्मी हैं। ए मुसम्मी, जब शाम को घर जाऊंगी तो अपने पति को दूंगी, लेकिन तोय ना दूंगी। भगवान बोले, राधा काय को गुमान करे दे देना मुसम्मी, दे देना मुसम्मी। बगिया से तोड़ लाई काय को मुसम्मी। भगवान कन्हैया बोले, ए राधा राधा अरे दे देना। तो राधा बोली, ए श्याम बड़ा डीट घन श्याम है, बड़ा डीट घन श्याम है, मिले सुबह ना शाम है, राह देखती हूँ से तोड़ लाई काहे को मुसम्मी। जब राधा
से भगवान कन्हैया बोले राधा अरे तो पे दो मौसमी है, इनमें से एक मुझे दे दे, छोटी वाली दे देना, देख कितनी अच्छी लग रही है, दे देना। राधा बोली नहीं दूंगी, एक मौसमी अपनी सास को दूंगी, एक मौसमी अपने पति को दूंगी, लेकिन तो ना दूंगी, तू बड़ा चंचल है। भगवान कहने लगे अच्छा तो नहीं देगी? राधा बोली ना दूंगी। तू ना देगी? ना दूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम तो दियो एक बार ना चार बार। और भगवान ने क्या विचार किया, अब जब ऐसे ना दिए चलो ओ गाड़ी बैल गाड़ी जैसे ही बैल नकी रस्सी करी करी, अब वो बैलक भागे और गाड़ी भागी भगवान कन्हैया की भक्तों, जैसे ही गाड़ी भागी अब वो राधा चिल्लानी ए श्याम 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 रुको 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 ए श्याम रुको कन्हैया रुको, अरे कहाँ भगा रहे गाड़ी, रुको रुको मेरे श्याम। लेकिन कन्हैया ने गाड़ी ना रोकी तो राधा का बोली कौन दिशा में लेके चला रे समरिया, कौन दिशा में लेके चला रे समरिया, कछुके ने दे जरा दे खन दे पासिया बन दे आपन दे, कौन दिशा में बोली तो भगवान कन्हैया बोले मन भर माए नीना बाली रे गुजरिया, मन भर माए नीना बाली रे गुजरिया, तूने मन की करी मोसे काहे फूलरी, गाड़ी हाकन दे हाकन दे, मन भर माए नीना से बोली काए भगावे ओ जसुदा की नतु नंदन घनश्याम हो, अपने मन में क्या तू समझे तो घबरा गुमान हो, अब ना बोलू काला तुमसे भगाते जा रहे। तो राधा बोली है श्याम गाड़ी रोको, अरे रोको ना गाड़ी, ये गाड़ी तुम्हारे बाप की नहीं है, ये गाड़ी हमारी है। भगवान कहने लगे अच्छा ये गाड़ी तेरी है तो फिर ये बैल मेरे हैं, अगर गाड़ी तेरी है तो बैल मेरे हैं। और झट भगवान ने गाड़ी रोक दी। और बस गाड़ी रोकने के बाद भगवान ने क्या किया, गाड़ी में से धीरे धीरे अपने बैल निकाले। जब अपने बैल निकाले और बैल लेके और भगवान कन्हैया चल दिए, राधा बोली कहाँ जा रहे हो, ए श्याम कहाँ जा रहे हो, अरे शाम हो गई मैं कहाँ जाऊंगी। भगवान कहने लगे मजा काटो मौसमी हाथ में पकड़ के मजा काटो, हम जा रहे हैं।
और भगवान कन्हैया लेके अपने बैल और भक्तों अपने घर वापस चले जाते हैं। और राधा अब माठाड़ी और धीरे धीरे शाम हो रही है, इधर शाम हो रही है और उधर भक्तों मनसुका तनसुका दोनों घूमत भये आए रहे हैं भगवान के यार। और जैसे ही मनसुका तनसुका की नजर राधा पर गई तो मनसुका बोलो, अरे तनसुका ये राधा यहां क्या कर रही है, बोल। मनसुका बोलो चलो पूछते हैं राधा से। और दोनों मनसुका तनसुका आए गए राधा के पास और राधा के पास में आए कि ठाड़े है गयो। पहले तो ऊपर से नीचे देखी वह राधा को और देखने के बाद में मनसुका बोलो, राधा तुम यहां क्या कर रही हो राधा, ए शाम हो रही है राधा, जाओ भाग जाओ, चलो चलो घर चलो, अगर रात में कुछ होएगा तो। राधा बोली ना, मनसुक तनसुक गाड़ी छोड़ के लौट के घर नई जाऊंगी, घर न जाऊंगी, लौट के घर न जाऊंगी, गाड़ी मनसुक तनसुक छोड़ के लौट के घर न जाऊंगी। रात में गाड़ी मेरी चोरी है जाए तो कहाँ से लाऊंगी, रात में गाड़ी मेरी चोरी है जाए तो कहाँ से लाऊंगी, सासुलिया मेरी गाली देवे, सासुलिया मेरी गाली देवे तो बच नहीं पाऊंगी, मनसुक तनसुक गाड़ी जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी लेकिन गाड़ी छोड़ के अपने घर ना जाऊंगी। मनसुका बोलो तू पागल है, अगर गाड़ी छोड़ के ना जाएगी तो रात में जब मरेगी अगर कुछ हो गया तो। राधा कहने लगी अब चक्का छो जाए लेकिन हम बिना गाड़ी के अपने घर ना जाएंगे, मेरी सास लिया मेरे पति मुझे ताना मारेंगे, गाड़ी कहां है, गाड़ी कहां है, कहां से लाऊंगी मैं। तो मनसुका तनसुका आपस में बोले, ए भैया ये तो बड़ी अटीली है। मनसुका बोलो, अबे पहले से अटीली है, अगर अटीली ना होती तो पति को छोड़ के नहीं आता, प्यार थोड़ी करती। अरे वो बहुत अटीली है, वह बना मानेगी। ए राधा तो तू नहीं जाएगी, राधा बोली जाऊंगी लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। मनसुका तनसुका बोले तो बता हम तेरी का मदद कर दे। तो का बोली वो राधा मनसुका ते, ए मनसुक तनसुक सुनी मेरी, और ये तो सुनी बन की गैर, और गाड़ी लेकर तुम चलो बन कर दोनों बैल। ए मनसुक तनसुक, अरे अगर तुम गाड़ी के बैल बन जाओ तो मेरी गाड़ी और मैं घर पहुंच जाऊंगी। मनसुका बोलवा बड़ी चतुर, देखो ना हम बैल बन जाए, कन्हैया से प्यार करो हमें बैल बनाओ। तनसुका कान लो, अरे मनसुका जाके चक्कर में मत पड़ियो, बड़ी नाटकबाज है, देखो जब माखन लेके जाती थोड़ा माखन मांगते तो कैसी आंखें नटे रहती है, हम नहीं बन पाएंगे बैल, अब तुम जाओ चाहे जही मरो। राधा बोली ना है तो ठीक है मर जाऊंगी लेकिन बिना गाड़ी के घर नहीं जाऊंगी। मनसुका तनसुका बोली, भैया अगर राधा को कुछ हो गया तो कन्हैया क्या कहेगा,
अब कन्हैया के पीछे क्योंकि कन्हैया मेरो यार है, अब हमें बैल तो बनने पड़ेगा। और वे कन्हैया के यार मनसु का तनसु का दोनों बैल बन जाते हैं। और जब बैल बन गए, अब बैल बन के बगाड़ी को लेकर के अब मनसु का तनसु का चले हैं। और राधा हकवारी बन गई, हकवारी लिए डंडा बैठी है गाड़ी में, और गाड़ी लेके राधा चल देती है। तो दोनों मनसुका तनसुका बोले बारी बार, बड़ी तू भोली है बिरज की गोरी है, हमको बनायो तूने बैल, बड़ी तू भोली है बिरज की। और गाड़ी चलते चली जा रही धीरे 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 धीरे, मनसुका तनसुख बैल बने और गाड़ी लिए जा रहे। और जैसे ही ब्रज नगरी में आए, आज ब्रज की गोपियां ठट्टा मार के हंसने लगी, ओरी विशाखा ओरी ललिता इधर आ, देख ऐसी अद्भुत गाड़ी कबू ना देखी आज पहली बार। और क्या अबे काबाली गोपियां, ऐसे देखे ना मैंने बैल, मेरी उम्र बीत गई सारी है, ऐसे देखे ना गाड़ी लेके
अब तब राधा हाकत जा रही है, पहुंच गए ब्रज नगर में। और ब्रज नगरी में जाए के और गाड़ी तो राधा के दरवाजे पे ठाड़ी करी है मनसुका तनसुका ने, और खड़े होकर के कहने लगे, अरे ब्रज की गोपियो, मेरे कन्हैया की हंसी मत उड़ाओ और मेरी हंसी मत उड़ाओ। क्यों हंस रही हो हमको देख देख करके? अरे हम तो अपने कन्हैया और राधा की वजह से ये गाड़ी लेकर के आए हैं, मेरी हंसी मत उड़ाओ, मेरे कन्हैया को कोई गाली मत देनो, मेरे कन्हैया बड़ो प्यारो है। और भक्तो वो दोनों मनसुका तनसुका गीत गाता हुआ और जा रहे हैं, यशोदा को नंद कुमार कन्हैया मेरो छोटो है, यशोदा को नंद कुमार कन्हैया मेरो छोटो है। एक बार सतयुग में आयो किरणा कुसुडारो सुंदर भगवान की। अब हम आप लोगों को अपना पता बता दें, मेरा नाम स्वामी धर्मानंद शास्त्री संगीताचार्य, जिला मैनपुरी, निवास हमारा जिला लखनऊ में दुबग्गा के पास मलपुर हमारा स्थान है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर हमसे कोई संपर्क करना चाहे तो हमारा नंबर 99 36 71 53 82। अरे मनमोहन की गाथा हमने तुमको गाई सुनाई, हमारी राम राम लेना और असली कैसे दिया।
गई मोहन तेरी बांसुरिया, श्याम सुंदर भगवान की।